अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनएन 24 न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नौशहरा से, और आपको बताएंगे 1,92,00,000 रुपए की लागत से अकोड़ा खटक, शीदो, आदमजई और जहांगीरा के आवाम के लिए नए फीटर का अफ्तिताह मेंबर ऑफ बीओडी पेस्को अब्दुल हक वली ने कर दिया। इस मौका पर दीगर इलाका मुअज्जिन भी मौजूद थे। डेरा गाजी खान पुलिस थाना सदर ने नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ अरसलान जोया से। जी मियाँ अरसलान जोया, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी, डेरा गाजी खान पुलिस थाना सदर ने नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। SHO थाना सदर मोहम्मद यूनिस बमा टीम ने गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान गुटखा और खिशखाश की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और नॉन कस्टम पेड सामान को कब्जे में लेकर कस्टम एकाम के हवाले कर दिया। इस मौके पर SHO थाना सदर मोहम्मद यूनिस का कहना था, कानून से बलातर कोई भी नहीं, हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान का रात गए समाज दुश्मन अनासर की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए जनरल होल्टअप का बजात खुद दौरा। नौशहरा इलाका खोड़ा लोमई निज़ामपुर में पाइप लीकेज का मसला जो काफ़ी अरसे से था, जिसकी वजह से लोगों को रास्ते पर आने जाने में दुश्वारी के साथ साथ पानी भी ज़ाया हो रहा था, जो कि नाजम सईदुल अमीन की कोशिश पर मिनिस्टर एक्साइज नारकोटिक्स अखरीक रहमान ने हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायत जारी करते हुए इसको फिलफौर हल कर दिया, जिस पर अहलियान लोमई अपने दोनों मुशीरानों का तह दिल से शुक्रगुजार हैं। डेरा गाजी खान RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने पुलिस एजुकेटर स्कूल डेरा गाजी खान का दौरा करके स्कूल में जारी तामीराती कामों, स्कूल की रेनोवेशन और नए एकेडमिक ब्लॉक की तामीर करने के हवाले से जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। RPO ने स्कूल में ई लाइब्रेरी के क्याम, जदीद साइंस और कंप्यूटर लैब समेत मल्टीपर्पज हाल की तामीर के अहकाम भी जारी किए। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने पुलिस एजुकेटर स्कूल डेरा गाजी खान का विजिट करके स्कूल की रेनोवेशन और दीगर तामीराती का मुआयना किया। RPO ने स्कूल में ई लाइब्रेरी के क्याम, जदीद साइंस और कंप्यूटर लैब और मल्टीपर्पज हाल की तामीर और स्कूल की बेहतर तजीन और आरइश करने के अहकाम भी जारी किए। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। मेंबर सूबाई असम्बली इदरीस खटक का नौशहरा के MPS के हमरा सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी के साथ मुलाकात। मुलाकात में महकमा हायर एजुकेशन और PMD डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने शिरकत की। मुलाकात में तहसील जहांगीरा के मसाइल और इनके बेहतरी के लिए तफसीली बातचीत हुई। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि दीपातपुर तकरीब हलफरदारी स्टूडेंट्स काउंसिल 2024-2025 हुकूमत पंजाब के अहकाम की रोशनी में ज़ेर क़यादत रब नवाज साकब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दीपालपुर मोहम्मद सफदर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल AU आफ्टरनून चक नंबर 17D में तकरीब हलफरदारी स्टूडेंट काउंसिल 2024-25 का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल काउंसिल के अहदेदारान और मुअज्जिन ने शिरकत फरमाई। इस तकरीब में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन में जीतने वाले रिजवान अली सदर, हिजर हयात नायब सदर, आमिर मकबूल फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद अवैस करनी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हल्फ उठाया। इस मौका पर आशिक जिला उकाड़ा, PTO अली कायम मुकाम सदर मोहम्मद अफजल बाबर, हाफिज गुलाम समदानी हेड टीचर मोहम्मद फारूक बटू और रिजवान अली मौजूद थे। हैदराबाद में HESCO की लाकानूनीत के खिलाफ एहतजाज में मुजाहरीन बेहोश हो गए। रेस्क्यू 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। ननकाना साहब से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना सैयदवाला के नवाही गांव कदलत्थी में सबका दुश्मनी पर दो ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में दो अफराद कातिल, जिनकी शनाख्त सदी अहमद और जाहिद इकबाल के नामों से हुई है। अली वगैरह और सदी अहमद ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। वकुआ की इतला मिलते ही DSP सर्कल बड़ागर और SHO थाना सैयदवाला हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूलीन की नाशें कब्जा में ले ली, मजीद कार्रवाई जारी है। क्राइम सीन यूनिट और की टीमें जाए वकुआ पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ अमल है। DPO साइद अजीज का DSP सर्कल और अवैस और SHO को वाक्य में लवज मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, पुलिस कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पसरूर तक सियालकोट 27 किलोमीटर तवील सड़क का सर नौ तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। एरिया ने इलाका और ट्रांसपोर्टरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राना मोहम्मद सलेमान से। जी राना सलेमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 27 किलोमीटर तवील पसरूर ता सियालकोट रोड दो रोया सड़क का असर नौ तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस अहलियान इलाका और ट्रांसपोर्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह रहमान रहीम, 24 न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया इजहार ख्याल करने का। इस रोड पर जिस रफ्तार से काम किया जा रहा है,
ये मौजूदा हुकूमत की सख्त तरीन नाअहली है। ये गर्दोगबार, ये हर चीज़ गले के अंदर जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बनती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इसको इनको चाहिए कि फिल फोर इमीडिएट दिन रात लगा कर इस रोड को मुकम्मल करें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। शुक्रिया जी। सड़क की तामीर के दौरान माहौलियाती एक्ट पर अमल दरामद ना करने और गर्दो गुबार के बायस सांस और फेफड़ों के बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। आवाम का हुकामे बाला से मुतालबा है कि इस सड़क की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। राना मोहम्मद सलमान, NAN 24 न्यूज़, पसरूर। बसीरपुर हवेली लखा बासन मुस्लिम लीगी मुकामी कारकुन मोहम्मद आजम भट्टी का साथियों समेत कब्रस्तान की ज़मीन पर कब्जा। हवेली लखा के नवाही इलाका 3 SP में एक नहायत दिलखराश वाकया पेश आया। हवेली लखा इक्तदार और ताकत के नशा में धुत मुस्लिम लीगी मुकामी कारकुन मोहम्मद आजम भट्टी ने साथियों समेत कब्रस्तान में हल्ला गुला करते हुए दाखिल हो गया और हवेली लखा कब्रस्तान की 2 एकड़ ज़मीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। हवेली लखा ज़मीन कब्रस्तान अहले सलाम दिया हवेली लखा के नवाही इलाका 3 SP पर काबज हो गया। हवेली लखा अहले मोहल्ला की मिन्नत समाजत भी उनके काम न आई। आखिरकार 15 पे कॉल करने के बाद मुकामी पुलिस थाना हवेली लखा मौका पर पहुंच गई। हवेली लखा जाए वकुआ का मुशाहिदा किया और लोगों से बयान कलमबंद किए। हवेली लखा मुकामी पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ अमल है। हवेली लखा मुकामी लोगों का कहना है की जमीन कब्रस्तान को चंद साल कबल वक्फ कर दी गयी थी। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़।